पीएमएलएन ने मुझे सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने पूरी पूरी कोशिश की कि जो मेरे हरीफ थे उनको पीएमएलएन का टिकट मिल गया था। मैंने अब ये इलेक्शन लड़ा है, ठीक है, मैंने किसी के साथ मिलके इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने आपको बताया मुझे मेरे पे नून लीग ने कोई एहसान नहीं किया। मुझे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा, जब मैं जीत के आई लाहौर, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नून लीग को ज्वाइन करें। मैंने कहा मियाँ साहब मैं ज़रूर नून लीग को ज्वाइन करती अगर मुझे इस चीज़ का अश्योरेंस होता कि आप यहाँ पर पंजाब में जम के पंजाब के लिए लड़ेंगे। नून लीग की जो आला क़यादत है उसने ये फैसला कर लिया था कि रियासत के इदारों ने फैसला कर लिया है कि हुकूमत इस दफ़ा इमरान खान को मिलेगी, तो इसलिए उन्होंने लड़ाई नहीं ली। उज़्मा बुखारी ने ये कह दिया कि एहसान फरामोशी मतलब सेठी साहब से मिला रहे थे पीसीबी। सेठी साहब ने तो पीसीबी पे खुद एहसान किए थे। सेठी साहब के को तो एक एक टूटी हुई मरी हुई पीसीबी मिली थी और क्रिकेट बिल्कुल पसमांदा थी। तो नून लीग वालों को ये कहना जेब नहीं देता क्योंकि सेठी साहब ने तो उन पर एहसान किया था। और पीएसएल और पीसीबी की जो कामयाबियाँ थीं वो नवाज शरीफ के दौर की एक अच्छी कामयाबियों में से एक थी। जिस दिन इमरान खान ने हलफ लिया उसी दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो एक सियासी इंसान हैं, उनको अंदाज़ा था कि क्रिकेट जो है, मैं इस हक़ में नहीं थी क्योंकि मैंने कहा ये क्रिकेट क्या है, क्योंकि मैं मुझे खास इतना शौक नहीं था, लेकिन आपने कुछ समझाया तो ज़रूर होगा। मैंने उस वक्त उनको उस वक्त मैंने कहा था कि ये आप क्यों करना चाह रहे हैं, ये मैंने पूछा था उनसे। उन्होंने कहा कि तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि क्रिकेट पाकिस्तान के लिए कितनी अहम है। वो जो सब कुछ था पहले, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे वो भी सारा ऑनरी था और चेयरमैनशिप भी ऑनरी थी। केयरटेकर सीएम बहुत बड़ा काम होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। और पंजाब सरकारी तो है वो दबेशा कॉन्डरी है, जनता है नहीं लेना चाहिए, उसकी वजह से ही फिर वो एक हाम हा का दो साल वो मसला भी बना। सेठी साहब का पीसीबी का चेयरमैन बनना, पीएसएल बनाना, उसके साथ पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ? अगर दो साल किसी ने 35 पंचर करके और बाद में कह दिया कि जो वो ऐसे ही कह रहे थे और वो बात ख़त्म हो गई और वो झूठ का झूठ साबित हुआ, तो इसमें पाकिस्तान का तो बहुत फ़ायदा हो गया। खान साहब ने वोट मुझसे नहीं मांगा, ना ही हमारी उनसे बात हुई है। अभी देख नहीं आप, अभी चलेंगे इनके साथ? देख रहे हैं, लेकिन पिछली हुकूमत बहुत बड़ा खसारा छोड़ के गई है, बहुत बड़ा खसारा जो इन लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। करते हैं कि क्योंकि जी हमने जनाब नवाजा उनके प्यार में, तो अब जनाब वो हमारे साथ हैं और साथ नहीं दे रहे और उधर से चले गए हैं सारा, तो वो एक एक्सपेक्टेशंस मुस्लिम लीग नून में तो ये हैं आपके बारे में कि आप उनके देखिए देखिए तो हम भी तो कह सकते हैं ना, जो आज़ाद रुकन इलेक्ट होके आए थे, 18-19 थे हम लोग, हर एक ने कहा कि हम भी तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मियाँ शहबाज शरीफ यहाँ खड़े होकर पंजाब के लिए लड़ेंगे। ठीक है, उनकी भी तो एहसान फरामोशी है कि नहीं है कि वो यहाँ खड़े होके पंजाब के लिए लड़े, हुकूमत बना सकते थे, हुकूमत नहीं बनाई, पंजाब ने उनके ऊपर एहसान किया, उनको वोट दिए, दबाव के बावजूद उनको वोट दिए, इन्होंने खड़े होके यहाँ हुकूमत बनाते, हम सब उनके साथ होते, क्यों नहीं किया? मैंने मियाँ साहब को कहा, मैं कहा मियाँ साहब आपको एक वोट की ज़रूरत होगी, वो मेरा वोट होगा, आप खड़े होके जम के पंजाब के लिए लड़ें, पंजाब ने आपके ऊपर बहुत एहसानात किए हैं, आपने मेहनत की है तो पंजाब ने भी आपको बहुत वोट दिए हैं, तो आप भी कीजिए। तो एहसान फरामोशी तो वो होती है जब इंसान किसी से कुछ रिसीव करके और उसको वापस ना करे। मेरी कंडीशन में मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आपने पहले भी फरमाया कि सेठी साहब की अहलिया तो मैं हूँ और हम पार्टनर्स हैं, हम मियाँ बीवी, लेकिन मेरी अपनी पहचान, मैंने नून लीग से कुछ नहीं लिया।